इंटरव्यू में बोले टाइगर श्रॉफ, मैं अपने पिता के सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। हिंदी सिनेमा के नौजवान एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ विवादों से दूर रहते हैं, अपनी मोहब्बत को जमाने से छुपाते नहीं हैं और अपने पिता जैकी श्रॉफ के दुलारे बेटे हैं। बागी सीरीज से अपना नाम रोशन कर चुके टाइगर की अगली छलांग यशराज फिल्म्स की अगले हफ्ते रिलीज हो रही फिल्म वॉर है। टाइगर अपनी बहन कृष्णा के साथ मिलकर इन दिनों बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं और उनकी ये फिटनेस चेन जल्द ही बरेली में भी खुलने वाली है। अमर उजाला संवाददाता अमित कुमार सिंह ने उनसे की ये खास मुलाकात। हिंदी सिनेमा में दो हीरो की फिल्में बनी इसीलिए बंद हुई कि अभिनेताओं का आपसी विश्वास कमजोर कम होता गया। फिल्म वॉर में आपको तो कहीं ऐसी असुरक्षा महसूस नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऋतिक रोशन को अपना आदर्श मानता हूँ। मेरे मन में उनके प्रति सिर्फ इज्जत ही है। हम दोनों अलग अलग पीढ़ियों के हैं और अगर हमारी तुलना होती भी है तो ये मेरे लिए फख्र की बात होगी। मेरे लिए यही बहुत बड़ी जीत है। उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। मेरे लिए तो ये उनसे सीखने का एक बहुत ही अच्छा मौका रहा। मेरी किस्मत अच्छी रही कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। आपका फिटनेस और एक्शन की तरफ झुकाव कैसे हुआ? बचपन से मुझे खेल का बहुत ही शौक था। इस वजह से शुरू से ही मेरे जीने के तरीके में फिटनेस एक बड़े हिस्से के तौर पर शामिल हो गई। दरअसल जब तक मैं अपनी एनर्जी को कहीं इस्तेमाल नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं सो नहीं पाता हूँ। आप एक्शन हीरो के तौर पर स्थापित होते जा रहे हैं, डर नहीं लगता कि आप एक ही तरह के रोल में बनते जा रहे हैं? एक्शन हीरो के तौर पर पहचाने जाने से मुझे खुशी होती है। इसी से मेरी एक पहचान बनी है। खास तौर पर आज के समय में प्रतियोगिता इतनी ज्यादा है कि एक पहचान मिलनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भीड़ में कहीं खो जाते हैं। मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, यही मेरी पहचान है। आपके पिता जैकी श्रॉफ ने अमर उजाला के इंटरव्यू में कहा है कि वे कभी अपने बच्चों से काम नहीं करना चाहते थे। एक बेटे के तौर पर आप अपने पिता के लिए क्या सोचते हैं? दरअसल मैं उनसे काम नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं उनको बहुत ही अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। उनकी जो भी ख्वाहिशें और सपने हैं मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को इतना अच्छा बचपन दिया है कि मैं हजार बार में भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। आप जब पैदा हुए तो उस समय के शोमैन सुभाष घई ने आपके पिता को आपका पहला साइनिंग अमाउंट दिया था। सुभाष घई के साथ कभी किसी फिल्म को लेकर चर्चा हुई क्या? बिल्कुल, सुभाष जी से मेरी बातचीत होती रहती है। वह बहुत ही सीनियर और कमाल के निर्देशक हैं। फिलहाल तो उनके साथ काम करने की मेरा औकात नहीं है, लेकिन जब भी इंडस्ट्री में पूरी तरह से स्थापित हो जाऊंगा तब मैं उनके साथ जरूर काम करना चाहूंगा।